नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई क्वारंटाइन से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, हमारा हमारा मुद्दा हमेशा से रहा है कि भाई आप विदेश से लोग आ रहे हो, वहाँ से परेशान होते हुए इंडिया में पहुँचते हो, उसके बावजूद यहाँ की सरकार उदासीन बन जाती है, आपका समाधान नहीं कर पाती, समय पे आपकी प्रॉब्लम होती है। मैं बात करूँगा साथियों क्वारंटाइन में विथ रिकॉर्ड, आप देख सकते हैं एक भाई ने मुझे वीडियो भेजा था, ये वही बंदा है जिनका मैंने वीडियो बना के आज से महीने भर पहले सोशल मीडिया पर डाला था। उनका टिकट बन गया था एम्बेसी की तरफ से, वो इंडिया आ चुके हैं, बिहार के हैं, तो बिहार से उन्होंने वीडियो बनाया। और मैं बता दूं सरकार भाई, अब मुख्यमंत्री को क्या दोष दें, सरकार के तो जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, सिस्टम तो उनके थ्रू पूरा चलता है, सरकार की तरफ से कोटा भी पूरा निकल जाता है आपका कि भाई खाने के लिए आपको ये सामान दिया जाएगा, इतना पैसा पर कैंडिडेट आपका खर्चा होगा, लेकिन बीच में गड़बड़ हो जाती है अधिकारियों की वजह से, कहीं ना कहीं उसमें घोटाला होता है, लोग भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा खाते हैं, और उसके बावजूद भी आपको पूरी सुविधा है वो नहीं दे पाते। देखिए आप वीडियो में मैं बता दूं, जो खाने का सामान है, जहां पे खाना बनाया जा रहा है, वो जगह आप देख सकते हैं कैसी जगह है, उसमें खाने के सामान में कुत्ते मूत रहे हैं, इससे ज्यादा क्या होगा यार, इससे ज्यादा घटिया क्वारंटाइन सेंटर कहीं हो सकता है। सामान पूरा खुला पड़ा है, मक्खियां भिन बना रही हैं, जानवर उसमें गिर रहे हैं, पूरा सामान एकदम, मतलब इस ऐसी स्थिति है कि जानवर भी उस सामान को, उस खाने को न खाएं, पास में कुत्ते बैठे हुए हैं, कुत्ते उसमें मुंह मार रहे हैं रात को। देखिए कैसा क्वारंटाइन सेंटर है सरकार की, अब लापरवाही किसको ही बोलेंगे, सोचने की बात है ना। ये लोग तो बोल देते हैं ये है वो है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई रहेगी, उससे अपन मुंह मोड़ नहीं मोड़ सकते ना। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, आगे वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे रोज मिलती रहे। तो चलिए वीडियो देखते हैं। जो मगध यूनिवर्सिटी है उसके हम लोग हॉस्टल कैंपस में रुके हुए, और ये स्टाफ है, किचन स्टाफ है, ठीक है। और इधर इन लोगों का इतना लापरवाही है कि चारों तरफ ये खुला पड़ा हुआ है ये, और ये चना का जो डब्बा है वो भी खुला पड़ा हुआ है, और ये जो दाल रखा है वो भी खुला पड़ा हुआ है, यहाँ सब्जी जो रात को बना है वो भी खुला पड़ा हुआ है, और कोई व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ कुत्ता आ रहा है, पूरा कुत्ता जो ही आ रहा है उसमें खा रहा है, वैसे ही पेशाब कर रहा है, वही चीज हम लोग को सुबह में नाश्ता और दोपहर में खाना के लिए दिलाएगा, सारे लोग ऐसे ही परेशान है। देखिए ये कैसा व्यवस्था है, और ये बिहार सरकार से हम लोग ये आग्रह करेंगे कि अभी अधिकारी को भेजिए, मीठा पड़ा हुआ है सुबह में देने के लिए, और वैसे कुत्ता खा रहा है, काट रहा है, और फिर और ऐसे करके ये रोटी भी रखा हुआ है यहाँ पे, रोटी भी खुला पड़ा हुआ है, और ये स्टाफ है जो कि अभी सोया हुआ था और अभी देखकर आया, और इस तरह से वो ऐसे पूरा नमक भी और ये पूरा मिर्चा और ये रोटी जो है ये भी खुला पड़ा हुआ है एकदम, कोई व्यवस्था नहीं है। और ये मगध यूनिवर्सिटी का ये हॉस्टल कैंपस है जहाँ हम लोग रखा गया है, और कुवैत, सऊदी, दुबई से सारे लोग यहाँ पे आए पड़े हुए हैं, और यहाँ का व्यवस्था इतना खराब है कि, और जो क्वारंटाइन के नाम पे ही हम लूटमारी पड़ी हुई है, और ये देखिए ये चावल पड़ा हुआ है, चावल देखिए इसमें, ये चावल, यही चावल जो कि कब का बना हुआ है, यही दिलाएगा सुबह में चाहे शाम में, तो हम लोग आपसे आग्रह करेंगे आप लोग इसका निगरानी करें, सारे स्टाफ जो कि किसी को कोई चिंता नहीं है, सारे सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं।